जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मंडे है और अगले मंडे को आप सोच रहे होंगे, काश मैंने ये पढ़ लिया होता, ये छूट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह फ्रॉम न्यू लाइट इंस्टीट्यूट आप सब प्यारे बच्चों के साथ पिछले 40 साल से बेटा बायो में पुराने साल के ट्रेंड को देखते हुए आपके लिए कुछ गेस्ट वर्क बनाया है। और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर तो हमें नहीं पता है ना आपको पता है, लेकिन पेपर एक ट्रेंड के हिसाब से ही आता है। कुछ चीजें ऐसी है बेटा जिनके बिना पेपर नहीं बनता है। एक बात और है बेटा कि अब चार पांच इंपॉर्टेंट बताने से कुछ काम नहीं चल रहा है, क्योंकि सेलेक्ट होना तो बायो में 300+ नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा हमने चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, और बिल्कुल विश्वास करिएगा जब 5 मई को पेपर डिस्कस करेंगे तो जरूर इनसे आपको मिलाकर हम दिखाएंगे, जैसे 21 में दिखाया, 22 में दिखाया, 23 में दिखाया। तो चलिए बच्चों, बहुत आराम से, बहुत शांति से एडलिन रस नहीं करेंगे, आपको एक एक चैप्टर बताते जाते हैं क्या क्या पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर है बच्चों मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, बस यह कर लो 300+ इन बायोलॉजी। और बेटा हमारा सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड बच्चों बायोनोमियल नामनक्लेचर, और ये टेबल 1.1 जिसमें फैमिली म्यूसिडी दिया है, और मोर जनरल टू लेस जनरल। जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम में और किंगडम से स्पीसीज में जाते हैं, तो स्पीसीज से किंगडम में मोर जनरल होता है और किंगडम से स्पीसीज में मोर कॉमन करेक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसको बेटा आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग टेक्सा टेक्सॉन सिस्टमेटिक्स इसका आइडिया आपको होना चाहिए, टेक्सोनॉमी। और बेटा इसका रैपिड फायर करा देंगे, और कहेंगे तो एक पेपर भी करा देंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा ये आरएस विटेकर का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यू बैक्टीरिया पे बहुत बार सवाल पूछा गया है, फंजाई के एग्जाम्पल देखिएगा, और हो सकता है वायरस वायरवायर्ड लाइकेन से और प्रियान से आपको एक सवाल यहाँ पर मिल जाए। ये बात बेटा यहाँ पर समझने की है कि लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल से कोई सवाल नहीं आया था, नीट 2023 में 24 में जरूर सवाल आएगा। प्लांट किंगडम बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्गी का ग्रुप दिया हुआ है, रिजर्व फूड मटेरियल दिया है, लीवर वर्ड्स मासेज पे इनके एग्जाम्पल, मास में प्रोटोनिमा और टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरी। और बेटा यहाँ पर थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म का जीरोफिटिक करेक्टर देख लेना, और साइकस में कोरलवाइड रूट और पोलाइडी एन टू एन गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट का कंसेप्ट। एनिमल किंगडम में बेटा सारे फाइलम के एग्जाम्पल, और फाइलम विद फर्स्ट का बेटा मतलब होता है कि किस फाइलम में कौन सा फाइलम सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक हुआ, कहां पर बाइलेटरल सिमेट्री हुई, किस फाइलम में सिमेट्री चेंज हुई। इसके बाद बेटा पोरीफेरा का जनरल करेक्टर, एनिडा का जनरल करेक्टर, और क्वांडिक्थिज आस्टिक्थिज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से इस बार के लिए, और इसी के साथ साथ साइक्लोस्टोमेटा। और एक सवाल और बनता है, वर्टिब्रेट और कार्डेट, ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिलोटैक्सी किसमें अपोजिट है, एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक कंडीशन, पोजीशन ऑफ ओवरी, पेरीगाइनस एपीगाइनस हाइपोगाइनस और प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के साथ बच्चों एक चीज और कर लेना, इसमें एस्टिमेशन के एग्जाम्पल और कर लेना, बस इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ओनली एग्जाम्पल, बस कैसा होता क्या होता ये सब नहीं करना, केवल एग्जाम्पल। इसके बाद बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे बेटा क्वेश्चन बिल्कुल आउट है। यहां पर बूली फार्म सेल बहुत अच्छे से देख लेना, स्टोमेटल एपरेटस देख लेना, और बेटा यहां पर डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट मोनोकॉट रूट और स्टेम जरूर आएगा, राइट, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ कोर्स में है नहीं, तो बस इतना कर लेंगे बेटा आपको 3 से 4 सवाल मिल जाएगा। एक हमने बताया बूली फार्म सेल, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट मोनोकॉट रूट, राइट, और इसके लिए हमने फार्मूला बताया है, आपको रिवाइज भी करा देंगे। अब बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, तो एपिडर्मल नहीं एपिथेलियल लोकेशन, तीनों तरह के जंक्शन का एग्जाम्पल याद रखना होगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग और कॉकरोच, फ्रॉग और कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से देखिएगा, और काकरोच का सेगमेंट,
वैसे तो बेटा आपने सब कुछ पढ़ा ही है, लेकिन लास्ट में इन चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब बेटा हम लोग चलते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन से हैं, साइटोस्केलेटन कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, और जो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम देखेंगे तो बेटा यहाँ पर जरूर अच्छे से देख लीजिएगा कि गॉल्जी बॉडी और एंडोथेलियल रेटिकुलम ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। इसके बाद बेटा बायो मॉलिक्यूल आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, टेलोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक बायो मॉलिक्यूल में बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एंजाइम कैटलिस्ट और एमिनो एसिड, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमने आपको दे दिया। इसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जी जीरो फेज में क्या है, इवेंट्स ऑफ प्रोफेज, अक्सर बेटा आपसे पैकेटिन पूछ लेते हैं, पोलाइडी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ डिफरेंट फेजेज ऑफ सेल साइकिल। जैसे उन्होंने दे दिया कि जीवन में अगर डीएनए 2C है तो G2 में कहाँ कितना होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया कहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं। फोटोसिंथेसिस बेटा एक वान नील का एक्सपेरिमेंट, और सारे क्लोरोफिल का कलर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, केल्विन साइकिल, C4 पाथवे, C2 साइकिल एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या होता है, फोटो एक्ट 1 में क्या होता है, फोटो एक्ट 2 में क्या होता है। रेस्पिरेशन में बच्चों ग्लाइकोलिसिस के ATP, लिंक रिएक्शन एस्टाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल के कंपाउंड ATP, और ETS में बेटा केवल कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। और लैक्टिक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितनी एनर्जी निकलती है और किसमें CO2 निकलता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन में बेटा एक सवाल आपको जरूर आएगा, ऑक्सिन, इथाइलिन, ABA, और आप जिबरलिन भी कर लेना, बस इनके फंक्शन से आपको पक्का पक्का 1 से 2 सवाल आएगा 100%। इसके बाद बेटा ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, बस कर लीजिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज, इसके बाद ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो। तो बच्चों यहां 2 पॉइंट और कर लेना, रेगुलेशन ऑफ किडनी जिसमें रास फैक्टर दिया है, और बेटा ये सवाल अगर आएगा तो अक्सर गलत होगा बच्चों का, नेफ्रान में कौन सी चीज कहाँ एब्जॉर्ब होती है और नेफ्रान में कहाँ कैसा एपिथीलियम होता है, ये जरूर कर लीजिएगा। बॉडी फ्लूड सर्कुलेशन में बेटा WBC की परसेंटेज, इनका काम एरिथ्रोब्लास्टोइड्स फिटालिस आरएस फैक्टर, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, और हार्ट पे वाल्व और ECG, PQRS वेव। ये बेटा बहुत जरूरी है, सब देख के जाना। XDT प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, यहां पर बेटा अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म और डिसऑर्डर, यहां से आपको सवाल मिल जाएगा। थोड़ा सा किडनी की लोकेशन, किडनी की लोकेशन और इसका डाटा, लोकोमोशन मूवमेंट, एक्टिन मायोसिन का करेक्टर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी, रिब्स केज में क्या होता है, टोटल बोन कितने हैं, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल के बोन। और बेटा फिजियोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उसमें डिसऑर्डर जरूर देख लेना। तो इसमें भी डिसऑर्डर है कि जैसे ओस्ट्रोजन की कमी हो जाती तो कौन सी बीमारी हो जाती है। लास्ट में बेटा जो डिजीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरल कंट्रोल में बेटा आपको नर्व एंड देयर क्लासिफिकेशन, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और बेटा थोड़ा सा देख लेना आप लोग, यूनिपोलर, बाइपोलर, और एक और बेटा इंपॉर्टेंट है नीजल ग्रेन्यूल। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेटा ग्लैंड की लोकेशन, हाइपो हाइपर सिक्रीशन से डिसऑर्डर, एडनल ग्लैंड अच्छे से देख लेना, हार्मोन रिसेप्टर एंड देयर रेगुलेशन। और बेटा यहां पर एंटागोनिस्टिक हार्मोन देख लेना, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, और एंटागोनिस्टिक हार्मोन में जैसे ग्लूकागन का क्या हो गया, इंसुलिन, और पैराथार्मोन का क्या हुआ, कैल्सिटोनिन। बेटा इस तरह से NCERT 1 खत्म हो गया, NCERT 2।
सेक्सुअली प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पोलाइडी ऑफ एम्ब्रियोसैक, पोलाइडी ऑफ एंडोस्पर्म, पोलाइडी ऑफ सिनर्जिड, पोलाइडी ऑफ एंटीपोडल, और यहाँ पर फिली फार्म एपरेटस जरूर देखिएगा, पता ही होगा आपको। स्पोरोपोलोनिन के बारे में, पॉलिनेशन, बायोटिक एबायोटिक कौन किससे ज्यादा होता है, और यहां पर बेटा एक बस थोड़ा सा ऑटोगैमी, गिटैनोगैमी और जीनोगैमी, एपोमिक्सिस पॉलियम्रियानी, हाँ यहां पर दे दिया ऑटोगैमी, गिटैनोगैमी, जीनोगैमी, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी सेल है, जैसे आपका सेल क्या है, लीडिंग सेल, ग्लैंड जैसे काउपर ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोन पक्का आ सकता है पेपर में, इसको जरा भी मत छोड़िएगा। और डिफरेंट स्टेज ऑफ बेबी डेवलपमेंट, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। और बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे हार्मोन का भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में निकलते हैं, कौन से प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादा निकलते हैं, केवल प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी पीरियड में ज्यादा। एक बेटा सवाल यहाँ पर बनता है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन पर, कॉन्टिन्यूअस इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन है और इजेकुलेशन के लिए कौन है, तो कंटिन्यूअस इजेकुलेशन के लिए कंटिन्यूअस फॉर्मेशन भी होना चाहिए, तो प्रोलैक्टिन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा, इंट्रायूटराइन डिवाइस, एसटीडी, एआरटी, इससे आपको बेटा 3 से 4 सवाल मिलेगा, या तो एसटीडी आ जाएगा और या तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आ जाएगा, ये क्लियर है बिल्कुल, ये सब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशियो, आपको पता है ये बेटा यहाँ से सवाल जरूर आएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या है बेटा, सिंड्रोम, और बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस। मॉलिक्यूलर बेसिस बेटा इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, एक तो करेक्टर डीएनए का, दूसरा बेटा न्यूक्लियोसोम अच्छे से पढ़िएगा, मेसेंजर स्टाल का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए दे देंगे, एमआरएनए का स्टैंड पूछेंगे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना, और एचजी का थोड़ा सा डेटा देख लेना, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और हल्का सा आइडिया बेटा ओपेरान का ले लेना, जो तीनों एंजाइम दी है। इसमें बेटा जितने भी एंजाइम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में है उनको जरूर देख लीजिएगा, है ना, डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन के एंजाइम, ठीक। और इसके बाद बेटा थोड़ा सा लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, बस यूलूसन, ओपेरिन हाल्डेन एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट यूलूसन, मतलब क्या है, होमोलोगस एनालोगस आर्गन और इंडस्ट्रियल मेलेनियम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा, इनके कॉजल एजेंट बस पढ़ लेना, सिम्टम की जरूरत नहीं है। इनेट इम्यूनिटी जनरल, और यहां पर बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव, और बेटा साथ में ऑटो इम्यून डिजीज। इसके बाद बेटा एड्स के बारे में, और कैंसर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और बेटा ओपिवाइड और कैनाबिनोइड, यहां से बेटा सवाल नहीं आया था, बहुत आराम से सवाल आएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, सीवेज ट्रीटमेंट, इससे बेटा आपको 2 से 3 सवाल मिल सकता है, इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सब पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन इंजाइम पूरा पढ़िएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, पीआर 322 और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्राइजीन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, एंजेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में जरूर पढ़िएगा, हाँ थोड़ा सा एडीए डेफिशिएंसी भी देख लीजिएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर बेटा इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन, और ग्रास और नेट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन का स्टेप खूब पूछते हैं बच्चा, और इसके बाद पिरामिड। इसके बाद आता है बेटा, हाँ एक और है बेटा, 10% रूल। इसके बाद बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ पर बेटा इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इविल क्वाड्रेट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, नंबर ऑफ स्पीसीज इन फॉरेस्ट। एक बात और देख लीजिएगा, इक्वेटर टू पोल और पोल टू इक्वेटर, राइट, जिस चैप्टर में हो कि कैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है घटती है। यहाँ बेटा थोड़ा सा आपको सबमिट देखना होगा,
जैसे अर्थ सबमिट, इसको भी बस देख लेना। एडिशनल टॉपिक में बेटा ये जो फैमिली है ना, इसमें आप बस इतना देख लीजिएगा, फ्लोरल फार्मूला, और साथ में फ्लोरल फार्मूले के साथ साथ एंड्रूसियम और गाइनीशियम की पोजीशन, कितना एंड्रूसियम गाइनीशियम, और बेटा तीन चार जो कॉमन एग्जाम्पल है इनको रट लेना, काम हो जाएगा। बाकी बेटा रूट स्टेम लीफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डाई काट किए हैं उसमें कैसा होगा भैया, टैप रूट, और मोनोकाट में 5+ रूट। इनके बेटा बस काजल एजेंट आप देख लेना, नेट डेटा बुक में इंडेंजर्ड होगा रखते हैं, इसको जानना थोड़ा सा। और मॉडर्न सर्जरी थियरी में बस इतना देखना है कि इसमें जो डार्विन की थियरी थी, डार्विन का वीक पॉइंट क्या था, इन्होंने वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो इसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स जोड़ दोगे तब ये आपका हो जाएगा सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 8-10 पॉइंट तो हम भी बता सकते हैं जिनके बिना पेपर नहीं बनेगा, लेकिन आप 8-10 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ेंगे ना, आपको तो सेलेक्ट होना है। सब कुछ पढ़ लिया आपने, पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ी है, अब इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना। और मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आसपास मिलेंगे। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है बाद में आप बोलो कि काश मैं ये वीडियो देखा और इसके बाद इसको कर लिया होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप कहोगे तो इनका हम पूरा रैपिड फायर कराएंगे, और साथ में आप कहोगे तो इसका एक ऑनलाइन पेपर भी कराएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होइए, खूब आपने रिवीजन किया है, खूब हमने रैपिड फायर किया है, और करीब 150 टेस्ट कराए हैं, पेपर तो उसके बाहर नहीं जाना है। लेकिन इस समय लास्ट के टाइम पर अगर आपको पढ़ना ही है तो इन सारे पॉइंट को थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा और आपको फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जीवन में जब भी कोई बड़ा काम करने जाइए तो बहुत कूल होके जाइए, ये एक नीट का पेपर बिल्कुल वही है जैसे आप न्यूलाइट का पेपर दे रहे थे, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वहाँ पेपर दे रहे हैं, वहाँ भी एनसीईआरटी से आना है, यहाँ भी एनसीईआरटी से कराया गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं इधर बहुत सारे बच्चे नर्वस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, और इसलिए बच्चों बात करते रहे, कोई दिक्कत है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इन पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा 5 मई के पेपर में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।